नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि धनु राशि वाले जातकों के लिए, आप में से जो भी लोग धनु राशि के हैं उन लोगों के लिए साल 2021 कैसा बीतने वाला है। इस वर्ष में आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटने वाली है, आपका भाग्य आपका साथ देगा या नहीं देगा, इस वर्ष में आपके साथ क्या क्या होगा, सारी बातें हम जानेंगे पूरे विस्तार से। तो आप वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखने का प्रयास करें, परंतु सबसे पहले हम जानेंगे इस वीडियो के गुरु मंत्र के बारे में। गुरु मंत्र है कि हमेशा मनुष्य को परछाई और आईने की तरह दोस्त बनाने चाहिए, क्योंकि परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। इस गुरु मंत्र को अगर आप समझ लेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो धनु राशि वालों, अब बात करते हैं कि साल 2021 में आपके साथ क्या-क्या होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आने वाले वर्ष यानी कि साल 2021 में आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, आपके प्रेमी या आपके प्रेमिका के साथ आपका संबंध मजबूत होगा या आपका संबंध कमजोर होगा। आने वाले वर्ष में आप में से जो भी लोग सिंगल हैं उनकी प्रेम कहानी शुरू होगी या खत्म होगी। आने वाले वर्ष में आपके पास पैसे रहेंगे या पैसे खर्च हो जाएंगे, आपका आर्थिक जीवन मजबूत होगा या कमजोर होगा, और भी बहुत सी बातें हैं जो वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ जाएगी। तो वीडियो को आप सुनने का प्रयास करें। दोस्तों, साल 2021 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर और शानदार रहने वाला है। इस वर्ष में अपने पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे। इसमें आपका ग्रह आपका पूरा साथ देने वाला है। सबसे पहले हम अभी शॉर्टकट में जानेंगे, फिर जानेंगे पूरे विस्तार से। दोस्तों, अगर आपके कैरियर की बात की जाए तो कैरियर के लिहाज से भी साल 2021 आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष में आपके कैरियर में सफलता मिलने के प्रबल संयोग हैं। आपके ग्रह आपका नक्षत्र आपका पूरा साथ देगा। इस वर्ष में अपने कार्य क्षेत्र में आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। आपके सहयोगी आपके सीनियर से आपको सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। ऐसा संयोग बनेगा कि सभी लोग आपके कामकाज में आपके कार्य क्षेत्र में आपकी सहायता करेंगे और अपने लक्ष्य की ओर आप आसानी से बढ़ जाओगे। इस वर्ष में आप हर एक मौके का फायदा उठाएं। आपके सामने जो भी हालात बेहतर हो उस बेहतर हालात में अपने कार्य क्षेत्र को, अपने पढ़ाई लिखाई को, अपने कैरियर को आप अच्छा बनाने का प्रयास करें। अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसके अलावा आप में से बहुत से लोग साल 2021 में विदेश यात्रा करने वाले हैं। ऐसा संयोग बन रहा है। आप में से जो भी लोग पूरे मेहनत से पूरे एकाग्रता से अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान देंगे उनको परिणाम भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलेगा। इसलिए अपने कामकाज में आप कहीं कोई लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, अगर आपके आर्थिक जीवन की बात की जाए तो पैसों के लिहाज से भी साल 2021 में आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। इस वर्ष में आपके पास पैसे रहने वाले हैं और उन पैसों का आप सही प्रयोग भी करेंगे, लेकिन बस आपको एक सावधानी करनी है और वो सावधानी है कि अपने फालतू के खर्चों पे आपको कंट्रोल करना होगा। अगर आप ऐसा कर पाने में सक्षम होते हैं तो इस पूरे वर्ष में आपको पैसों की कहीं कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन इस वर्ष में आपका पैसा खर्च होगा, आपके घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य होगा जिस कार्य में आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन इस खर्चे से आपको घबराना नहीं है क्योंकि आपके पास पैसे का स्रोत काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है।
वैसे इस पूरे वर्ष में अगर आपके धन संपत्ति की बात की जाए कि आपके पास पैसे ज्यादा मात्रा में कब रहेंगे, तो वो अवधि है 23 जनवरी से लेकर जुलाई तक का समय, और दोबारा है सितंबर और अक्टूबर का महीना। इस पूरे वर्ष में ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर और शानदार रहेगा। इस अवधि में आपके आमदनी के नए नए द्वार खुलेंगे, नए नए रास्ते खुलेंगे, जिसके वजह से आपको फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। आप में से जो भी जातक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी साल 2021 में काफ़ी खुशियां आने वाली है, क्योंकि इस पूरे वर्ष में राहु आपकी कुंडली के छठे घर में रहेंगे, जिसके वजह से आप सभी को फायदा काफ़ी ज़्यादा होगा। आप में से जो भी लोग साल 2021 में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को इस वर्ष में सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। ऐसी संभावना है कि इस वर्ष में अपने लक्ष्य में आप सफलता प्राप्त करेंगे। इसके अलावा आप में से जो भी लोग घर से बाहर जाकर विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, बहुत से लोगों को ऐसा मौका भी मिलेगा। तो अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। दोस्तों, स्वास्थ्य के लिहाज से साल 2021 आपके लिए सामान्य रहेगा। इस वर्ष में आपको अपने रहन सहन का, अपने खान पान का पूरा ध्यान देना होगा। वैसे पूरा वर्ष तो आपके लिए बेहतर रहेगा, लेकिन इस वर्ष में अचानक से केतु के आपकी राशि के 12वें घर में आने की वजह से आप में से बहुत से लोगों को छोटी मोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बहुत से लोगों का स्वास्थ्य उनका साथ नहीं देगा, लेकिन आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आने वाले समय में यानी कि साल 2021 में आपके बाकी ग्रह आपका पूरा साथ देंगे, और इन्हीं सभी कारणों से आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप में से जो भी लोग नशा पान करते हों, धूम्रपान करते हों, तंबाकू का सेवन करते हों या और कोई नशा करते हों, तो इस वर्ष में आप नशा पान छोड़ दें, क्योंकि अगर आप नशा पान नहीं छोड़ेंगे तो आपके जीवन में आने वाले वर्ष यानी कि साल 2021 में आपको समस्याएं बहुत आएगी, और उन समस्याओं में आप उलझ जाओगे और आपको परेशानी का सामना काफी ज्यादा करना पड़ेगा। इस वर्ष में जरूरत है कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर पहले से ज्यादा सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, सजग रहें। इस वर्ष में जितना हो सके आप शुद्ध हवा और पानी का सेवन करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आने वाले वर्ष में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपका समय शानदार हो जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आपके कैरियर के बारे में पूरे विस्तार से कि साल 2021 में आपका कैरियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों, कैरियर के लिहाज से साल 2021 काफ़ी ज़्यादा बेहतर और शानदार रहेगा। साल 2021 में आपके कार्य क्षेत्र में आपके सहयोगी आपकी पूरी सहायता करेंगे, और वो सहयोगी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन भी काफ़ी ज़्यादा देंगे। आपके आत्मविश्वास को, आपके मनोबल को वो मजबूत करने का प्रयास करेंगे, जिसके वजह से आपका कार्य क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा बेहतर और मजबूत हो जाएगा। इस पूरे वर्ष में कैरियर के लिहाज से जनवरी, मई, जून, अगस्त, सितंबर और दिसंबर का महीना काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। इन 4-5 महीनों में आपका कैरियर काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेगा। आपके कैरियर को मजबूती इन्हीं महीनों के दौरान मिलेगी, इस बात को आप याद रखें। लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत खुद करना पड़ेगा। अगर आप कर्म करते हो तो उस कर्म का फल आपके ग्रह आपको अवश्य देंगे, और आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
इस वर्ष में आपके जॉब में, आपके नौकरी में आपकी पदोन्नति होगी, आपके सैलरी में वृद्धि होने वाली है। और तो और, अगर आप चाहते हैं कि साल 2021 में आपके नौकरी में ट्रांसफर हो, आप ट्रांसफर चाहते हैं, तो ट्रांसफर की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अब जानते हैं कि साल 2021 में आप किस उपाय को फॉलो करोगे तो आपको समस्या नहीं आएगी और आपका समय शानदार हो जाएगा। दोस्तों, उपाय ये है कि इस वर्ष में आप 3 मुखी रुद्राक्ष मंगलवार के दिन धारण करें। यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल और बेहतर रहेगा। इसके अलावा आप बृहस्पतिवार और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं, जल अर्पित करें। यह उपाय भी आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर रहेगा। तो इस उपाय को आप फॉलो करें, आपका समय शानदार हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो वीडियो के नीचे आप जय बजरंगबली कमेंट कर दें, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपने वीडियो को पूरा देखा है। कमेंट करने के बाद इस वीडियो को आप लाइक कर दें, एस्ट्रो फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन को ऑल पे ऑन कर दें और इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दें, ताकि आपके अलावा बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें और अपने समय को बेहतर बना सकें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। जय बाबा खुदनेश्वर नाथ महादेव, राधे राधे।